गली गली में पटवारी के माध्यम से। मैं आपकी मीटिंग हुई है किसान आंदोलन को लेकर, आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्या स्टेप होगा? आज की मीटिंग जो हुई है ये तो यहाँ लोकल एरिया की पब्लिक जो तंग है उसके लिए हम आए, पहली बात। नंबर दो बात, आंदोलन के बारे में जो आप पूछ रहे हो नीति क्या है, आज हरियाणा में कम से कम 5-6 जगह कहीं कहीं बड़ी खापे पंचायतें लगातार जारी है और भिन्न भिन्न संगठनों की भी मीटिंगें चल रही है। आज जलंधर में 18 तारीख को शमशान मोर्चे की बड़ी मीटिंग है, उम्मीद करते हैं हम आज वो फैसला मीटिंग खत्म होने के बाद साथ साथ में ये जो आंदोलन हमारे किसान साथी हैं उनकी भी आज मीटिंग है 18, ये निचोड़ो जगह। और हरियाणा का एक एक बच्चा, एक एक खाप का, एक एक कर्मचारी, एक एक बेरोजगार नौजवान इस लड़ाई में शामिल होगा, हमें उम्मीद है। ये लड़ाई नहीं रही, नए सिरे से 21 तारीख तक हम उम्मीद करते हैं ये बॉर्डर बैरियर सब सौदा साफ हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। हरियाणा से भी लोग साथ आएंगे? हरियाणा वाले तो करेंगे और वो तो करो नहीं ले पंजाब वाले में हों, ये इस बात का हमें दुख है। आंदोलन से जो साथी है इन्होंने किसी संगठन से बात नहीं की, किसी खाप से बात नहीं की, हमारा नैतिक समर्थन पहले दिन से था, आज भी है, आगे भी रहेगा। क्या नए सिरे से हरियाणा से आंदोलन शुरू होगा, मैं ऐसा विश्वास है मेरा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। 21 तारीख ने धूल उठ जाएगी सारा सौदा, ये नैया मरेगा, आंगन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं रहेगा 21 तारीख के बाद। 21 तारीख ने उम्मीद है हमारी, एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक जवान, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक बूढ़ा, हर खाप पंचायत यूनियन सारी 21 तारीख तक शुरू हो जाएगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ऐसी शुभ नाम मास्टर जी आपको? मास्टर बलजीत सिंह। मोदी मीडिया का रिक्वेस्ट है ना ना, ये कोई नहीं, अपने ठीक है, बागरे दिहाड़े पर, अपने दिहाड़े पर नहीं, अपने काम लगे कदा 5000 यो तो है ना जियो एक बार जी। क्या मामला था और क्या इसमें फैसला हुआ? देखो, जो आंदोलन को लेकर लोगों को असुविधा हो रही है, लोग बड़े तंग हो रहे हैं कि एक तो प्रशासन ने बैरिगेट लगाकर रास्ते को जाम कर रखा था, लोगों को 50 किलोमीटर का दायरे से दूर चक्कर लगा के आना पड़ता था, उसके बारे में हमने समस्या बताई और बातचीत करी कि इनको बैरिगेटों को तुरंत हटाया जाए, तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि हम इनको हटाने का काम करेंगे और लोगों को रास्ता देंगे, लोगों की जो परेशानी है उसको दूर करने का काम करेंगे। दूसरी हमारी बात थी कि जो इंटरनेट बंद कर रखा है, लोगों ने आज फार्म भी भरने, जो बच्चे बेरोजगार है, नौकरियों के लिए वैकेंसियां निकली हुई है, उनके फार्म भरने हैं, पेपर भी देने हैं, पेपरों का समय चल रहा है, ओटीपी नंबर नहीं आता। एक तरफ तो सरकार ऑनलाइन सिस्टम जोड़ना चाहती है और 7-8 दिन से नेट भी बंद है, सब कुछ जाम कर रखा है, ये बड़ी भारी समस्या हो रही है। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि मैं सरकार से बात करूंगा और ये समस्या हल करवाने का काम करूंगा। दूसरा, हमारे 3 किसानों को गिरफ्तार कर रखा है और जो अन्य किसानों को भी जो दाएं बाएं गिरफ्तार कर रखा, उनके बारे में हमारी बातचीत हुई है कि उनको शीघ्र छोड़ा जाएगा। तो एक समस्या और आ रही थी कि जो गांव से बच्चे आते हैं वो सेवा पानी करते हैं, हमारे किसान भाई जो पंजाब से आए हुए हैं, उनके घर पुलिस दबिश देती है, उनको डराना चाहती है, इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। तो हमने उनसे कहा एसपी को, भाई इस प्रकार की आप ओछी हरकत मत करो। तो एसपी साहब ने उस चीज की भी आंख भरी है कि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। तो हम हमारी शहर पॉइंट ऑफ बात हो, ये बड़े अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी है, देखो इसमें क्या एक्शन लेता, नहीं तो हमने सपट हमारी चेतावनी है, खाप पंचायत आ रही है, किसान संगठन आ रही है, अगर हमारी बात पे गौर नहीं किया तो हम बैरिगेटों को बैठाने का काम करेंगे और जो ये सभी असुविधा है इसके खिलाफ हम बड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे। बैरिकेड्स को लेकर कोई अल्टीमेटम भी दिया है एसपी साहब को भी कितने दिन का? नहीं, अब तुरंत प्रभाव से, तुरंत प्रभाव की बात है, नहीं तो हम अपनी बातचीत करके अगर ये 2 दिन तक मेरे ख्याल में हम एक बार हमारी आपस में सलाह मशवरा नहीं होया इसमें, शायद यही सी का है कि हम 2-3 दिन में अगर इस बात पर कोई एक्शन नहीं होया
तो हम खुद एक्शन लेने का काम करेंगे, किसान संगठन मिलकर और खाप पंचायत मिलकर। मतलब आपकी मीटिंग सफल हुई है? बिल्कुल सफल मानते हैं हम। अच्छे सुहार्दपुर मोहल्ल में जींद प्रशासन ने हमारी बात सुनी है। आपका नाम और डेजिनेशन? आजाद पालुआ, संयुक्त किसान मोर्चा सदस्य हरियाणा। पटवारी के मत